और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने कोहराम मचा दिया है। शहर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी निचले इलाकों को पार करने के बाद ऊपरी इलाकों में भी भर चुका है। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठती दिखाई दी। लाल किले के पीछे तो लगा जैसे वहां दरिया बह रहा हो। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ में जहां तहां फंस गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को भी बंद कर दिया है। डीडीएमए की बैठक के बाद सभी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज की रविवार तक छुट्टी कर दी गई है। इस बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ दिया गया, जो अगले कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। उफनती यमुना नदी के पानी में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें डूब गईं। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट है और यहाँ की आप हालात देखें। वहाँ की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। वो पानी इतना मैला दिखा कि उसके नीचे के गड्ढों और खुले मैनहोलों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से उन पर चलने का मतलब हादसे को दावत देना था। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोग गले तक भरे पानी में गाय और भैंसों को बचाते नजर आए। और इस दौरान एनडीआरएफ के जवान भी उनकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि यमुना नदी से आए सैलाब की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पूरी तरह से डूब गया और उसकी चपेट में कई गौशालाएं भी आ गई। वहां फंसी गायों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक भरे पानी के बीच वो लोग गायों भैंसों को निकालते नजर आए। बाद में उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पानी में उतर गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर वहां फंसी सभी गाय भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इधर दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुसने की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जहां सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। जिसके सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना हुआ दिखाई दिया। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ और सिर्फ पानी, वो भी इतना कि कुछ गाड़ियां तो डूबी हुई दिखाई दी। सड़कों और नदी का फर्क ही खत्म हो गया। वहीं सरकारी इमारतों में पानी न घुसे इसके लिए बोरियां लगाकर इंतजाम किए गए। दिल्ली की सड़क पर पानी उफान मारता हुआ दिखाई दिया, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मानो पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया हो, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किस्ते भी आगे भेज दिए, खाना भी बांट रहे हैं, सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहां के निचले इलाकों में पानी भर गया, कई घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। लगा कि मानो ये यमुना का ही इलाका हो। उत्तरी दिल्ली के एक बड़े से इलाके में पानी भर गया। वहीं यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रिहायशी इलाकों में भी पानी भर आया, जहां सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। गनीमत ही रही कि वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम ने वहां रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया। यमुना के पानी की वजह से हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली में टापू बन गया, जहां चारों तरफ पानी और बीचों बीच उस पानी में घर डूबे हुए दिखाई दिए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के रिहायशी इलाकों में भी यमुना का पानी घुस गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश की वजह से यहां के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग उसके बीच से ही गुजरते दिखे। बताया गया कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते डायवर्ट कर दिए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग पैदल ही जा रहे हैं, जिस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुटनों से ज्यादा पानी यहां पर भर चुका है। पानी भरने की वजह से वहां के एक अस्पताल पर भी जलभराव का खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पानी रोकने का काम शुरू कर दिया। वहीं भारी बारिश और जलभराव की वजह से नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बाढ़ के पानी में कई सिलेंडर बहते दिखाई दिए। वहां बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जबकि सड़क, घर और दुकानों में बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया।
जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें गैस से भरे सिलेंडर सड़क पर भरे पानी में कागज के खिलौनों की तरह बहते दिखे। बाढ़ के पानी में भरे हुए गैस सिलेंडरों के बहने का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क पर तेज रफ्तार बहते पानी पर एक दो या दस नहीं बल्कि 50 से ज्यादा की संख्या में सिलेंडर बहते दिखे। हालांकि वहां मौजूद एक लड़के ने कुछ सिलेंडरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा के ज्यादातर इलाकों में सड़कें तालाब की तरह भर गई।